लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर मारपीट की घटनाएं हुई थी। वहीं इस मारपीट में घायल हुए लोगों की कुशलक्षेम पूछने के लिए बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल शनिवार को जिला चिकित्सालय पहुंचे। बेनीवाल ने जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी व अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भर्ती पीड़ितों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी और घटनाक्रम की जानकारी ली। लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर मारपीट की घटनाएं हुई थी। वहीं इस मारपीट में घायल हुए लोगों की कुशलक्षेम पूछने के लिए बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल शनिवार को जिला चिकित्सालय पहुंचे। बेनीवाल ने जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी व अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भर्ती पीड़ितों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी और घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि मतदान के दौरान शुक्रवार को विपक्षी प्रत्याशियों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं की बौखलाहट में गुंडागर्दी, आतंक ने लोकतांत्रिक अधिकार के निर्वहन का हिस्सा बने कांग्रेस बूथ एजेंटों, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर निर्ममता और इंसानियत को शर्मसार कर धारदार हथियारों, पथराव और लाठियों से जानलेवा हमले व मारपीट की गई। ऐसी घटनाओं में घायल हुए लोगों से अभी मिलकर आया हूं और उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने कहा कि जिस अमानवीय तरीके से महिलाओं पुरुषों के साथ मारपीट और धारदार हथियारों से जानलेवा हमले किए गए, यह थार के भाईचारे और अपनायत के सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए खतरनाक और चिंताजनक हैं। मतदान के बाद बूथ एजेंटों कार्यकर्ताओं को जान से मारने, हमला करने की धमकियां देने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए कार्रवाई करने की मांग की। और कल मतदान के दौरान जो घटनाएं हुई है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है और एक जाति विशेष को करके टारगेट बनाकर और बदले की भावना से कि हमारे सामने एजेंट कैसे बैठ गए, इस दुर्भावना के साथ में ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। महिलाओं के साथ में इस तरीके से मारपीट करना, युवाओं के साथ में करना, ये बहुत ही लोकतंत्र के खिलाफ है। ये असामाजिक तत्व अपने थार का जो भाईचारा और अपनायत है और जो हमेशा शांति पर एरिया रहा, इसको माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा प्रशासन से, मेरी आईजी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई कि जो भी घटना के अंदर लिप्त हैं, जो साजिश करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करके और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। के दौरान जो एजेंट बैठे हुए थे उनके परिवार के साथ में, एजेंट के साथ में जिस तरह से लोगों ने मारपीट की है, उन लोगों को हम आज यहाँ संभालने आए, उनको सबल देने आए हैं कि उनको चिंता नहीं करें, हम लोग साथ में और न्याय के साथ में खड़े रहेंगे हरदम, इसलिए आए। तो घायलों की क्या स्थिति है? घायलों की स्थिति जो सिटी स्कैन कर रखी है और इलाज चल रहा है। इस दौरान बेनीवाल ने लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की धमकी या परेशान किया जाए तो तत्काल उन्हें सूचित करें। उन्होंने किसी की बातों और बहकावे में न आकर अपने क्षेत्र में शांति, आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया।